महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय नजर आती रही हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर काफी सक्रिय हैं। प्रियंका न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखती वो दिखाई देती हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद राजकुमार यादव की माँ सावित्री देवी का उपचार कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उठाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव का संदेश को लेकर अयोध्या पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अवध जोन के प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने शहीद के स्वजनों से भेंट की। चौधरी ने स्वजनों को भरोसा दिलाया कि जब भी जरूरत होगी कांग्रेस आपके साथ खड़ी मिलेगी। उन्होंने प्रियंका गांधी की ओर से भेजी गई आर्थिक मदद शहीद के भाई को सौंप दी है। सिविल लाइन्स स्थित एक होटल में प्रदेश सचिव सुनील पाठक के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण स्वयं प्रियंका गांधी शहीद के स्वजनों से मिलने नहीं पहुंच सकी। वो इस समय आइसोलेशन में है। उनके निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल ने शहीद की मां समेत अन्य पारिवारिक सदस्यों से भेंट कर राष्ट्रीय महासचिव का संदेश पहुँचाया है। प्रतिनिधि मंडल ने शामिल पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री, जिला प्रभारी हनुमंत विश्वकर्मा, सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह समेत कई नेता कांग्रेस के शामिल दिखे, जिन्होंने शहीद के परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार जनता कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। निश्चित ही इसका परिणाम 2 मई को दिखाई भी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।